रेवाल कैम डीएसआर का यूज किसमें किया जाता है, इसका डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन, क्या फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना है। फ्रेंड्स, रेवाल कैम डीएसआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे एलकेम फार्मा द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर कंपनी है। इसके कंटेंट की बात करें तो इसका कंटेंट है रेविप्राजोल सोडियम डोम पेरीडोम। रेविप्राजोल जो हमारे पास है 20 mg है, डोम पेरीडोम जो हमारा 10 mg है। इसमें दो साल्ट मिक्स होकर ये बना है। ये कम्बिनेशन दवा है जो कि इसका यूज किया जाता है एसिडिटी में। ये एंटी एसिड दवा है, जैसे कि आपके सही पेट में अल्सर बन जाना, पेट फूल जाना, खाना हजम ना होना, उल्टी आना, मतली होना, ऐसा कुछ इफेक्ट देने के लिए मिल जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। ये पेप्टिक अल्सर में भी काम करता है, यही जो मैंने आपको बताया, यही सब बीमारियां उसमें होती है। और ये एक बीमारी में आता है GERD में भी ये काम आता है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रो फिगा रिलीफ डिजीज जो होता है, उसमें भी बहुत बेहतर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको, जैसे कुछ लोगों की उल्टी होती है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, उनका गैस बहुत ज्यादा उन्हें बनता है, तो उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोगों को गैस बनता है, जैसे सर दर्द होने लगता है, तो वो भी खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो और अगर आप कोई दवा खाते हैं उससे गैस बनता है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना नहीं पचता तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका डोज के बारे में। इसका डोज जो है, एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 टाइम खा सकता है। इसे खाना खाने से पहले खाएंगे तो ज्यादा काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा, इसीलिए इसे खाना खाने से पहले ही खाना है। और एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 टाइम खाएगा खाना खाने से पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, नहीं तो आपको इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। मैं इसके वार्निंग के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसका वार्निंग है, जिसको किडनी या लीवर संबंधित दिक्कत है, वो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करे। जो महिला प्रेग्नेंट है, फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी सेवन करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से कर लें। और अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो भी यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर से ले लें। तो ये थी सावधानियां, मैंने आपको बता दी। अब हम जान लेते हैं इसका कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि सर दर्द, शरीर में दाने निकलना, खुजली होना, दस्त होना, शरीर, पेट फूलना, और जैसे कि उखलाई आना, ऐसा कुछ इफेक्ट देने के लिए मिलता है, तो इसका सेवन करना तुरंत ही बंद कर दें। समझ लीजिए आपको साइड इफेक्ट हो गया है। अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, तो तुरंत बंद करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। आप इसे लगातार 5 दिन खाइए, आपको आराम हो जाएगा। लेकिन आप इसे लगातार ज्यादा दिन मत खाइएगा, नहीं तो आप इसकी आदत हो सकती है, और आदत होगी तो आपको बगैर इसका काम ही नहीं चलेगा, इसीलिए आदत ना पड़ाएं। 3-4 दिन, 5 दिन खाएं, उसके बाद बंद कर दें, और आराम होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और बताएं कि आराम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आराम होता है तो फिर भी जाएं, तो फिर भी बात करें। इसके MRP की बात करें तो इसका 137 रुपये है, जो कि एक जर्नल मेडिसिन ही आपको सस्ते में मिल जाएगी। ये 10 रुपये कैप्सूल से कम भी मिल सकता है आपको, ये मार्केट में इजिली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है, तो आप इसके कंटेनर में कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रेवाल कैम डीएसआर कैप्सूल के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे मेडिसिन रिलेटेड जानकारी मिलता रहे। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। हमारा काम है सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज देना है।